सो आवर टुडेज टॉपिक इज बीज वैक्स। आज हम बीज वैक्स के बारे में बात करेंगे। बीज वैक्स होता क्या है? तो ये सारे ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हैं, कैस्टर ऑयल, बीज वैक्स और भी एक दो ड्रग्स हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे दैट बिलोंग्स टू द लिपिड्स। लिपिड्स के जितने भी सोर्स ऑफ द ये क्रूड ड्रग्स होते हैं वही हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिपिड, ये वैक्स, फैट्स और क्या कहते हैं ऑयल्स या फिक्स ऑयल्स में आएंगे। तो आपका इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैस्टर ऑयल, वुल फैट और बीज वैक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये ड्रग है बीज वैक्स। तो सिनोनिम्स के अगर बात करें तो इसको वाइट बीज वैक्स कहते हैं, येलो बीज वैक्स कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें कि ये कहाँ से हम इसको पाते हैं या बीज वैक्स कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, तो लिखा है इट इज प्योरिफाइड वैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हनी कॉम्ब ऑफ हाइव बी, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा दैट बिलोंग्स टू फैमिली एपिडाई। मतलब ये ओवरऑल कह सकते हैं मधुमक्खी का जो हनी कॉम्ब होता है उससे हम बीज वैक्स को बनाते हैं। और जैसा कि ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द बीज हैं, दैट इज एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा, सॉरी एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है कि ज्योग्राफिकल सोर्स। तो ये सारे जितने भी ये एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका और एपिस डोरसेटा कहाँ पाए जाते हैं? तो लिखा है इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन अफ्रीका, इंडिया, जमाइका, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे ये जितने भी सारे एपिस स्पीशीज या एपिडाई फैमिली के जितने भी ये हनी कॉम्ब बनाने वाले हाइव बी हैं, आइदर डेट इज एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा। तो ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, इंडिया में, जमाइका में, ऑस्ट्रेलिया में और कैलिफोर्निया में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रिपरेशन का। देखिए, सबसे पहले है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ द हनी, हनी कॉम्ब इज मेल्टेड इन बॉइलिंग वाटर। हनी जो शहद निकालने के बाद जो हनी कॉम्ब वो बचता है उसको बॉइलिंग वाटर में मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं। फिर नीचे है ऑन कूलिंग द मेल्टेड वैक्स गेट सॉलिडिफाइड एंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जब अब वो गर्म पानी में उसको सबसे पहले मेल्ट करते हैं, हॉट वाटर में दैट हनी कॉम्ब इज बिंग मेल्टेड, फिर उसके बाद जब वो हॉट उसमें मेल्ट हो जाता है तो वो जब हॉट वाटर कूल होता है तो आपका जो वैक्स होता है जिसे हम मोम कहते हैं वो सॉलिडिफाई हो जाता है या सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और उस वाटर में वो कूल्ड वाटर के ऊपर वाले सरफेस पे फ्लोटिंग कंडीशन में होने हो जाते हैं। ठीक है, द वैक्स इज कलेक्टेड एंड अगेन मेल्टेड या मेल्टेड अगेन। ठीक है, तो उस वैक्स को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर से मेल्ट करते हैं। फिर इधर बात करें तो व्हाइट बीज वैक्स ऑब्टेन्ड बाय केमिकली ट्रीटिंग येलो बीज वैक्स। अब व्हाइट बीज वैक्स को कैसे हम ऑब्टेन करते हैं? येलो बीज वैक्स को केमिकली ट्रीट करके। द वैक्स सो ऑब्टेन्ड आफ्टर कूलिंग इज नोन एज येलो बीज वैक्स। ठीक है, और इस वैक्स को जब जब ये वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, येलो बीज वैक्स, तो उसे क्या कहते हैं? येलो बीज वैक्स कहते हैं। इट इज पोर्ड इन टू द अर्दन वेसल वाइप्ड विद द डैम क्लोथ। ठीक है, और अर्दन वेसल में मतलब मिट्टी के घड़े में इसको पोर कर दिया, ढाल दिया जाता है और उसमें रखा जाता है और एक कपड़े से इसको ढक दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीज वैक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और मेथड है, येलो बीज वैक्स इज ट्रीटेड विद पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमिक एसिड एंड क्लोरीन। ठीक है, तो येलो बीज वैक्स को किससे ट्रीट करते हैं, किससे रिएक्ट कराते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट और क्रोमिक एसिड या क्लोरीन से। ठीक है, और इससे हमें व्हाइट बीज वैक्स मिल जाता है। तो ये रहा हमारा प्रिपरेशन ऑफ द बीज वैक्स। ठीक है, तो अलग अलग हैं व्हाइट बीज वैक्स, येलो बीज वैक्स, ये अलग अलग हैं, अलग अलग इसका मेथड है। तो ये रहा हमारा प्रिपरेशन ऑफ बीज वैक्स। नेक्स्ट बात करेंगे
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, बीज वैक्स में हमारा कौन कौन सा केमिकल्स पाए जाते हैं, तो पहला आपका मेरेसिन, दूसरा आपका कैरोटिक एसिड, तीसरा आपका मैलेसिक एसिड, तीसरा आपका, चौथा आपका सेरिल अल्कोहल, पांचवा है मेरेसिल अल्कोहल इज फॉर्म्ड ऑन सेपोनिफिकेशन ऑफ मेरेसिन, ठीक है, मेरेसिन का जब सेपोनिफिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेरेसिल अल्कोहल मिलता है, ठीक है, तो कह सकते हैं मेरेसिल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेपोनिफिकेशन ऑफ मेरेसिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो ये हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट ये पढ़ा कि कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें या केमिकल्स इसमें बीज वैक्स में पाए जाते हैं, तो बीज वैक्स में हमारा मेरेसिन पाया जाता है, कैरोटिक एसिड पाया जाता है, मैलेसिक एसिड पाया जाता है, सेरिल अल्कोहल पाया जाता है, और हमारा उसके साथ साथ मेरेसिल अल्कोहल भी पाया जाता है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेपोनिफिकेशन ऑफ द मेरेसिन। नेक्स्ट बात करेंगे यूजेस, अब यूज इसके क्या क्या है बीज वैक्स का, तो सबसे पहले लिप बाम, स्किन मॉइस्चराइजर, कैंडल्स, इट गिव्स टू द रिलीफ फ्रॉम द इचेस, वुड लुब्रिकेंट, बीज वैक्स क्रेयॉन, वाटर प्रूफ शूज एंड बूट्स, फर्नीचर पॉलिश, ठीक है, तो इन सारे, ये सारे हमारे यूज हैं किसके, बीज वैक्स के, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल होता क्या है, ये भी लिपिड्स में ही आएंगे, तो सिनोनिम सबसे पहले बात करें कैस्टर ऑयल का, तो कैस्टर ऑयल के अलावा और क्या क्या कहते हैं, तो कैस्टर बीन ऑयल कहते हैं, कैस्टर बीन ऑयल कहते हैं, नेक्स्ट है आपका रिसिनस ऑयल, फिर कैस्टर सीड ऑयल, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये हमारा प्लांट है कैस्टर ऑयल का, ठीक है, ये हमारा फ्रूट्स है, या कह सकते हैं वैसा फ्रूट जिसमें वो हम सीड्स निकालते हैं और उससे हम कैस्टर ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो सिनोनिम्स हो गया हमारा कैस्टर बीन ऑयल, रिसिनस ऑयल, कैस्टर सीड ऑयल। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स का, तो ये कहां से पाते हैं कैस्टर ऑयल को, कैस्टर ऑयल इज अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ द सीड्स ऑफ द रिसिनस कम्युनिस, ठीक है, रिसिनस कम्युनिस हमारा ये प्लांट है जिससे, जिसके सीड्स के कोल्ड एक्सप्रेशन से हम कैस्टर ऑयल को बनाते हैं, दैट बिलोंग्स टू द फैमिली U4BSE, U4BSE इसका फैमिली है। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें, इट इज फाउंड इन इंडिया, ब्राजील, अमेरिका एंड चाइना, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करें, कैस्टर ऑयल सीड हम लोगों ने ले लिया, कैस्टर ऑयल सीड्स आर ऑब्टेन्ड, फिर फेड इनटू द ग्रूव्ड रोलर्स टू क्रश द सीड सो एज टू रिमूव द सीड कोट, अब जो सीड का कोट होता है या उसके छिलके होते हैं उसको रिमूव करने के लिए ग्रूव रोलर में उस कैस्टर सीड्स को डालेंगे, ठीक है, फिर हमारा जब वो छिलका रिमूव हो जाता है, दैट इज सब्जेक्टेड टू करंट ऑफ एयर टू ब्लो ऑफ द टेस्टास, मतलब जो भी उसके डस्टिंग डस्ट वगैरह हैं या सीड्स के कोटिंग मटेरियल हैं उसको रिमूव करने के लिए उसे एयर करंट में उसे मतलब डालते हैं, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, Kernels are fed to expellers at room temperature and pressure is applied to obtain oil. अब इस पे जो हमें ये seeds मिला है, fresh seed मिला है, उस पे pressure apply करेंगे oil पाने के लिए, ठीक है, फिर oil मिल जाने के बाद क्या करते हैं, the oil is filtered, steamed at 80 to 90 degree for precipitation of the poisonous principle that is resin and enzyme lipase, ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, जब हमें oil मिल जाता है तो उसे सबसे पहले फिल्टर कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको स्टीम करते हैं, स्टीम हीट करते हैं, किस टेम्परेचर पे, 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर पर उसे स्टीम हीट करते हैं और उसके जो पॉइजनस प्रिंसिपल है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑयल इज फिल्टर्ड एंड यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पस, ठीक है, और जो फिर उसके बाद जो हमें मिलता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट को अलग करके फिर उसे फिल्टर वगैरह करते हैं प्रेसिपिटेट को अलग करने के लिए और उसे मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा है द केक विच रिमेन्स कंटेन रिसिन लाइपेज एंड ऑयल, अब इसके अलावा जो हम फिल्टर किए हैं, ऑयल को अलग कर लिए हैं और फिर उसके बाद जो केक हमें बचा है उसमें क्या मिलेगा,
रिसिन मिलता है, लाइपेज मिलता है और ऑयल मिलता है, ठीक है। द केक इज ग्राउंडेड स्टीम टू 40 to 80 डिग्री टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज अप्लाइड। अब वो जो केक मिला है उसका साइज रिडक्शन करेंगे, उसे तोड़ेंगे, ग्राउंड करेंगे, ग्राइंड करेंगे और स्टीम हीट उसे प्रोवाइड करेंगे। कितना टेम्परेचर? 40 से 80 डिग्री टेम्परेचर उसे हीट स्टीम हीट प्रोवाइड करेंगे और हाई प्रेशर उस पर अप्लाई करेंगे तोड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस यील्ड्स द सेकंड क्वालिटी ऑफ ऑयल विच इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस। अब इसके बाद जो हम ऑयल एक बार ऑयल निकाल लिए थे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसके जो केक बचे थे उसमें जिसमें रिसिन लाइपेज और ऑयल बचे थे उसको फिर से तोड़ेंगे, स्टीम हीट करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे और फिर जो उसमें से ऑयल हमें मिलेगा उसे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, तो कौन कौन से केमिकल्स इसमें पाए जाएंगे कैस्टर ऑयल में। तो हमारा पहला है रिसिनोलेइक एसिड, आइसो रिसिनोलेइक एसिड, स्टेरिक एसिड, डाइहाइड्रोक्सी स्टेरिक एसिड, ये सारे चीजें प्राइमरी सोर्स पे ये केमिकल्स पाए जाएंगे। पहला रिसिनोलेइक एसिड, आइसो रिसिनोलेइक एसिड, स्टेरिक एसिड, डाइहाइड्रोक्सी स्टेरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल ऑल्सो कंटेन विटामिन एफ, विटामिन एफ इसमें पाया जाता है। 90% ऑफ द फैटी एसिड कंटेंट इन कैस्टर ऑयल इज रिसिनोलेइक एसिड। 90% जो हमारा कैस्टर ऑयल होता है जिसमें फैटी एसिड पाया जाता है उसमें वो क्या होता है, रिसिनोलेइक एसिड होता है। रिसिनोलेइक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्सेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये एज अ कैथालिटिक इसको हम यूज करते हैं कैस्टर ऑयल को, ठीक है। नेक्स्ट इसके यूज की बात करें तो इट इज माइल्ड पर्गेटिव, फंगी स्टेटिक, ऑइंटमेंट बेस, प्लास्टिसाइजर। रिसिनोलेइक एसिड इज यूज इन द कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स एंड जेलीज, तो ये सारी यूज हैं। इट इज यूज एज माइल्ड पर्गेटिव, फंगी स्टेटिक, इट इज यूज एज ऑइंटमेंट बेस, इट इज यूज एज प्लास्टिसाइजर। और जो रिसिनोलेइक एसिड है उसमें उसको कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम और जेलीज के प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑयल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिनोलियम एंड एल्किल रेजिन, ये जो ऑयल है कैस्टर ऑयल है उसका यूज करते हैं किसके किसका मैन्युफैक्चरिंग करने में, लिनोलियम और एल्किल रेजिन के मैन्युफैक्चरिंग में इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द कोटिंग्स, इट इज यूज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द कोटिंग्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इन सारे इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज करते हैं कैस्टर ऑयल का। नेक्स्ट बात करेंगे वुल फैट का, वुल फैट की बात करें तो सबसे पहले इसका सिनोनिम्स होता क्या है, तो सिनोनिम्स है इसका लेनोलिन, एग्निन, एलाप्योरिन, ठीक है। तो तीन इसके सिनोनिम्स हैं, लेनोलिन, एग्निन और एलाप्योरिन। इसकी बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो वुल फैट पाते कहां से हैं, तो देखेंगे वुल फैट और लेनोलिन इज अ फैट लाइक प्योरिफाइड सिक्रीशन ऑफ द सीबेसियस ग्लैंड्स व्हिच इज डिपॉजिटेड इनटू द वुल फाइबर ऑफ द शीप ओविस एरिस, ठीक है। तो जो कहते हैं भेड़ कहते हैं जिसे, जिससे हम वुल वगैरह उनमें से आइसोलेट करते हैं, तो जो उसमें से जो वुल रहता है उसमें क्या कहते हैं, उनके सीबेसियस ग्लैंड से जो सिक्रेशंस होते हैं वो एक तरह से उस वुल में रहता है और उन्हीं के वुल से हम वुल फैट को या कह सकते हैं लेनोलिन को हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं या आइसोलेट करते हैं और उस शीप को हम बायोलॉजिकली क्या कहते हैं, ओविस एरिस कहते हैं, दैट बिलोंग्स टू द फैमिली बोविडाई, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओविस एरिस इस शीप को कहते हैं बायोलॉजिकली और इसका फैमिली बोविडाई है। अब इसका देखेंगे प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन है वुल इज कट एंड वॉश विद सोप और अल्कली, ठीक है। वुल को सबसे पहले अलग करके निकाल के उस शीप से और उसको वॉश करते हैं किससे, या तो साबुन से या तो अल्कली से, ठीक है। नेक्स्ट है एन इमल्शन ऑफ वुल फैट कॉल्ड एज वुल ग्रीस फॉर्म इन वाटर। अब जो वाटर में एक तरह से ग्रीसी सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वुल फैट कहते हैं या तो इमल्शन ऑफ वुल फैट कहते हैं।
नेक्स्ट है रॉ लेनोलिन इज सेपरेटेड बाय क्रैकिंग द इमल्शन यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड. अब जो रॉ लेनोलिन हमें मिला है उसे सेपरेट कैसे करेंगे, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक है, तो एक तरह से उस इमल्शन में क्रैकिंग आ जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद बात करें वुल ग्रीस फ्लोट्स ऑन द अपर लेयर एंड फैटी एसिड डिसॉल्व इन द लोअर लेयर. अब इसमें दो चीजें रहेंगे वुल ग्रीस और फैटी एसिड. तो वुल ग्रीस क्या होता है, अपर लेयर पे वाटर में जो भी है इमल्शन के अपर लेयर में वो फ्लोटिंग कंडीशन में रहेंगे, जबकि फैटी एसिड लोअर लेयर में वो डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट बात करेंगे लेनोलिन इज प्योरिफाइड बाय द ट्रीटिंग विद द सोडियम परऑक्साइड एंड ब्लीचिंग विद रिएजेंट. अब इसमें क्या ऐड करेंगे, लेनोलिन को कैसे प्योरिफाई करेंगे, उसमें सोडियम परऑक्साइड और ब्लीचिंग रिएजेंट्स उसमें ऐड करेंगे और इस तरीके से लेनोलिन को प्योरिफाई कर सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो लेनोलिन इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द ईस्टर एंड पॉलीस्टर्स ऑफ द 33 हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल एंड 36 फैटी एसिड. तो ये हमारे होते हैं 33 हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल एंड 36 फैटी एसिड. और तीन तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं, पहला एलिफैटिक अल्कोहल्स, दूसरा स्टेरॉइड अल्कोहल्स, तीसरा ट्राइटरपीन्स टर्पिनोइड्स अल्कोहल, ठीक है. ये तीन तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं और इसके अलावा तीन तरीके के एसिड्स भी होते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोक्सीलेटेड एसिड, दूसरा सैचुरेटेड नॉन हाइड्रोक्सीलेटेड एसिड और तीसरा अनसैचुरेटेड नॉन हाइड्रोक्सीलेटेड एसिड. मतलब हाइड्रोक्सीलेटेड एसिड पहला हुआ और दूसरा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोक्सीलेटेड एसिड हुआ. नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो द चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लेनोलिन आर कोलेस्टेरॉल, आइसोकोलेस्टेरॉल, अनसैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ऑफ द लेनोसेरिक एसिड्स, लेनोपाल्मेटिक एसिड्स और कार्नोबिक एसिड. तो इसके अलावा ये चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लेनोलिन हैं, पहले कोलेस्टेरॉल, आइसोकोलेस्टेरॉल, फिर अनसैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ऑफ द लेनोसेरिक एसिड, लेनोपाल्मेटिक एसिड्स, कार्नोबिक एसिड, ठीक है. नेक्स्ट लास्ट बात करेंगे यूज, इसके यूज क्या है. सबसे पहले इट इज यूज्ड एज इमोलेंट, दूसरा इट इज यूज्ड एज वाटर एब्जॉर्बेबल ऑइंटमेंट बेस इन मैनी स्किन क्रीम्स एंड कॉस्मेटिक्स. ध्यान रहे वाटर एब्जॉर्बेबल है, एब्जॉर्बेबल नहीं है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब, ये ऑइंटमेंट बेस जो होता है वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है. नेक्स्ट बात करेंगे वुल फैट इज रीडिली एब्जॉर्ब थ्रू स्किन एंड helps in increasing the absorption of the active ingredients incorporated in the ointment. मतलब जो भी ointment में वो हमारा जो भी drug use किया गया है वो क्या करता है, wool fat के साथ साथ वो drug easily हमारे जो भी external surface of the skin पे easily absorb हो सकता है और जो उस जो भी उसमें chemical या drugs use किए गए हैं वो therapeutically पूरी तरीके से externally असर करेगा, ठीक है. तो ये रहा हमारा तीन ड्रग, कैस्टर ऑयल, वुल फैट और बीज वैक्स, ठीक है. बाकी हम नेक्स्ट बात करते रहेंगे.